लखीमपुर खीरी के मिशौली कस्बा फीडर से गांव हैदरनगर में 2-3 खंबे विकलांग की तरह सहारे से 11,000 लाइन की सप्लाई गांव में पहुंचती है और ये खंबे पहले से टूटे हुए हैं। जो खंबे स्ट्रे के सहारे 11,000 की लाइन के तार पूरे गांव में फैले हैं। आपको बताते चलें, ग्रामीणों का कहना है इस संबंध में 1912 पर भी टोल फ्री नंबर पर भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन समस्या जस से तस बनी हुई है। बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा अगर कोई भी खंबा का सही समय पर बदलाव नहीं किया गया तो कभी भी बिजली के तार गिरने से खतरा हो सकता है, क्योंकि इस समय बारिश का समय चल रहा है, ऐसे में काफ़ी खतरा बना हुआ है। अगर जल्दी खंबे का बदलाव नहीं किया गया तो कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। जितेंद्र चौधरी, क्या समस्या है आपके गाँव की? समस्या ये है, हमारे गाँव में, हमारा गांव कस्ता फीडर से जुड़ा हुआ है जी। और हमारे गांव में 11,000 लाइन निकली हुई है बीच गांव से, जबकि एक पोल क्रैक टूटा हुआ है, लग रहा है बीच गांव में, और उस पोल से कभी भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं कि हमारा ये पोल दोबारा लगा दिया, दूसरा पोल लगा दिया जाए, ये टूटा वाला हटा दिया जाए। ऐसे कितने पोलों की समस्या है? ऐसे 3 पोलों की समस्या है। इस संबंध में आपने किसको अवगत कराया? हमने 1912 पे कॉल किया है, और 1912 पे कॉल करके उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी जल्दी समस्या हो जाएगी, लेकिन एक महीना हो चुका है, अभी तक कोई भी निष्कारण नहीं हुआ है हमारा, और हम लोग बहुत बड़े हादसे में पड़े हुए हैं, बहुत बड़े अचंभे में पड़े हुए हैं कि कब क्या चल सकती है, कब क्या हो सकता है। क्या नाम? भारत प्रसाद। क्या समस्या है? समस्या ये 11,000 लाइन गाँव से निकली हुई है, और फिर हमारे घर के हैदरनगर गांव है, हमारे घर के पास से निकली हुई, वहाँ मेरी दुकान पे है, और वहाँ खंभा टूटा हुआ, इस पे रुका हुआ है जी। बस ये खंभा हमको बदलना चाहिए। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।